इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू, वैसे भारत में सबसे दिलचस्प और बार बार दोहराए जाने वाला ही हिंदू मुस्लिम का मौजू है। खासकर चुनाव आते हैं या फिर हुकूमतें सवालों के घेरे में घिरने लगे तो समझ लेना कि फिर मजहब धर्म जबान के नाम पर नफरत को परोसा जाने वाला है। एक तरफ राम मंदिर की तामीर को लेकर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों का एहतजाज हर रोज शिद्दत इख्तियार किया जा रहा है। वैसे बार बार मोदी हुकूमत सवालों के कटघरे में तो खड़ी की जाती है, पर धर्म मजहब मंदिर मस्जिद के मसलों को बड़े ही शातिर तरीके से पेश किया जाता है, जिससे फिर आवाम का जहन उस तरफ माइल हो जाता है। आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन को लेकर भी मुख्तलिफ राय पेश की जा रही है। कुछ लोग वैक्सीन की हिमायत में हैं तो कुछ वैक्सीन की मुखालफत में पाए जाते हैं। कोरोना आलमी वबा को लेकर ही दो धड़े पाए जाते हैं। खैर, एक बार फिर RSS मुखिया मोहन भागवत ने किताब के रस्म इजरा में तश्वीशनाक बयान दर्ज करते हुए कहा कि हिंदू कभी भी भारत विरोधी या देशद्रोही नहीं हो सकता। इस पर काफी लोगों ने एतराज करते हुए मोहन भागवत के बयान को गलत साबित किया है। खासकर टेलीविजन के मशहूर सहाफी करण थापर ने सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा कि सिर्फ हिंदू ही देशभक्त हो सकता है कि दूसरी बाजू क्या अकलियती तबका हुब्बुलवतनी नहीं है। करण थापर ने अखबारों में अपने मजमून हिंदुओं और देशभक्ति में तमाम तफसीलात पेश किए। उन्होंने भारत की सबसे बड़ा अकलियती तबका मुसलमानों के बारे में लिखते हुए भागवत और RSS पर सवाल उठाए हैं कि क्या भारत की पड़ोसी मुल्कों की जंग में जिस जांबाजी का मुजाहरा किया है उसमें कोई भी हिंदू नहीं था, बल्कि कभी मुसलमान कभी सिख तो कभी जू थे। भारत पाकिस्तान जंग के तफसीलात पेश करते हुए 1947 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया तो 1965 में हवालदार अब्दुल हमीद ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर मुल्क के तहफ्फुज की थी, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। लिहाजा APJ अब्दुल कलाम तक सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये तमाम बातें मोहन भागवत को मालूम नहीं है, बल्कि माशरे में किसी तरह नफरत का माहौल बने रहे और तमाम माशरे में किसी समाज को लेकर नफरत अविश्वास दूरियां इख्तियार करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते। करण थापर ने दूसरा पहलू भी दिखाते हुए कहा कि जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तब अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर देने वाले आज वीर कहलाते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन के पासपोर्ट लेकर उन्हीं मुल्क के होकर रह गए। अब इन हिंदुओं को क्या कहा जाए, वो तो अपने आप को भारतीय भी नहीं कहते। करण थापर कहते हैं कि किसी की मुल्क से मोहब्बत उसके मजहब की बिना पर तोलना गलत है ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि महज एक समाज को पाकिस्तानी, नक्सली, खलिस्तानी कहकर बदनाम किया जाता है, पर आपको यह मालूम है कि भाजपा IT सेल के जिम्मेदार ध्रुव सक्सेना, मोहित अग्रवाल और दिगर 10 अफराद पाकिस्तान के लिए खुफिया जासूस बनकर काम करते हुए पकड़े गए थे। 1917 में NIA ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी मानने वाले कैलाश विजयवर्गीय के साथ तस्वीरें शाया की गई थी। अभी दो दिन पहले यानी जब मोहन भागवत बयान दे रहे थे तभी सौरभ शर्मा शख्स को गिरफ्तार किया गया जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। जून 8 2020 में भारत की फौज में काम करने वाले विकास कुमार चिमनलाल को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 19 2016 को नंदलाल महाराज को 25 किलो RDX के साथ दिगर हथियार भी थे जो जदीद हथियार थे राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। भारत की साबिक सिफारतकार यानी डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को भी पाकिस्तान के लिए काम करने के जुर्म में 2018 में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 3 साल की सजा भी दी गई। बाद में जमानत पे ये रिहा हुए। देविंदर सिंह DSP के अहदे पर जम्मू कश्मीर में फाइज था, दरअसल पाकिस्तानी एजेंट था जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया। देविंदर सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि पुलवामा हमले की तमाम इत्तला इसे हासिल थी, लिहाजा इसे बाद में गिरफ्तार किया गया। 23 अगस्त 2014 को हिमाचल प्रदेश से सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया जिस पर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का इल्जाम था। BSF में काम करने वाले विचित्र बेहरा को भी ओडिशा से गिरफ्तार किया गया जिस पर भारत से खुफिया नक्शे देश के बाहर भेजने का इल्जाम लगाया गया। कंचन सिंह को उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, 10 साल से फौज में काम करता था विचित्र, जिसे खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान को देने का इल्जाम है। खैर, और भी कई हैं वाकये हैं, बहुत सारे गिना सकते हैं जिसमें हिंदुओं ने भारत के साथ गद्दारी की मिसाल दी जा सकती है। कहने का मतलब इनके नाम हिंदू थे इसलिए पूरे समाज को भला बुरा कहना गलत है।
सिर्फ एक मजहब को सही ठहरा कर दूसरों को कम या देशद्रोही कहकर जहर ही फैलाया जा सकता है। लिहाजा करण थापर ने अखबारों में खुलकर इस बात की मजम्मत की है, सिर्फ हिंदू ही देशभक्त हो सकते हैं, जबकि जुर्म या मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। मोहन भागवत के इस बयान पर अक्सर इल्मी दानिशवरों ने जानबूझकर दिया बयान कहा, क्योंकि अकलियतों की कुर्बानी खासकर मुस्लिम समाज की भारत देश के लिए कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती, भले ही फिरका परस्त कितना ही किसी समाज को बदनाम करने की कोशिश करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।